लाइन लगाए हुए? आधा घंटा हो गया मुझे। कितने एटीएम का आप चक्कर लगा कर यहाँ पहुँचे? अभी चौथा है ये। चौथा है? हाँ। यहाँ उम्मीद है पैसे मिल जाएंगे? मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जमा भी कर रहे हैं। जमा कर प्रधानमंत्री डिजिटल भारत अभियान चला रहे हैं और वहीं एटीएम कैशलेस बने हुए हैं, क्या कहना है आपका? डिजिटल भारत तो कागजों पे चल रहा है ना, आम जनता के लिए कहाँ कुछ डिजिटल हुआ है। डिजिटलाइज तो किया जा रहा है, लेकिन उसका फायदा कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? जिस तरीके से फायदा मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। अब देखिए, आधे घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और तीन एटीएम का देख चुके हैं, ये चौथा एटीएम है और उम्मीद है कि यहाँ पर मिलेगा। पैसा जो है बैंक वालों को चाहिए, चाहे बंद हो, छुट्टियाँ हो, लेकिन एटीएम पैसा डालना चाहिए, क्योंकि ये जो है ट्रांजेक्शन कटता है। पहले फ्री था, अब जहाँ तीन से ज़्यादा हुआ ट्रांजेक्शन कटेगा, इसलिए पैसा डालना चाहिए, इनको बैंक वालों को भी फायदा होगा। लेकिन घूम के आए आप? पाँच एटीएम वहाँ ओलनगंज से आए हैं, कहीं पैसा नहीं। हाँ, यहाँ उम्मीद है, लाइन लगाए हुए हैं। अब उम्मीद आशा कर रहे हैं, दवा भी लेना है, पैसा मिल जाएगा दवा ले लेंगे। दीपावली के त्यौहार के चलते बैंक 5 दिनों से बंद हैं और जिसके कारण एटीएम अब कैशलेस हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एसबीआई का एटीएम है और यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि इसमें पैसा है। और लोगों को वही वो दिन भी याद आ रहे हैं जब नोटबंदी हुई थी और एटीएम से कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन आज फिर दोबारा से वो दिन याद आ गए। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।